हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आज कराने वाला हूं बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ पेन पेपर पे से नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? आपको बस ये बताना है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध हनी जो प्रोडक्शन है उससे है, यानी कि शहद उत्पादन। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नीचे आप लोगों को कमेंट करके मैं ना कुछ और आपके लिए होमवर्क दिए जा रहा हूँ। आपको बस ये बताना कि अंडा उत्पादन के लिए जो है कौन से क्रांति का नाम रखा गया है, मांस उत्पादन के लिए, तेल उत्पादन के लिए। तो नीचे कमेंट करके ये तीनों आंसर आप लोग नीचे कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी जो है इन्होंने क्या किया था, ये भार उठाने वेट लिफ्टर थी, और साक्षी मलिक पहली पहलवान है जिन्होंने पदक जीता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाने वाली पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन मैं बता दूँ नीरजा भन्नोट के बारे में, इन्हें जो है सबसे पहले अशोक, एक्चुअली प्रथम महिला थी जिन्हें अशोक चक्र से जो है नवाजा गया है। अशोक चक्र पाने वाली ये पहली महिला थी, इनके अद्भुत साहस के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेलिप्टस वृक्षों की सर्वाधिक संख्या किस पहाड़ी पर है? आपको ये बताना है यूकेलिप्टस वृक्षों की सर्वाधिक जो संख्या है, नंबर ऑफ ट्रीज, वो कहाँ पर है, किस पहाड़ी पर है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीलगिरी। नीलगिरी इज द राइट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं देखिए क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको बस ये बताना है यूकेलिप्टस जो वृक्ष है इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है। नीचे कमेंट करके इसका एक उपनाम जैसे होता है ना, हर किसी का अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे जंगल का राजा शेर है, उसी तरह से यूकेलिप्टस वृक्ष को क्या कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? देखिए, संविधान के किस भाग को, तो देखिए ये जो राइट आंसर है ये ना भाग तीन है, याद रखिएगा भाग तीन। और इसमें भाग तीन में क्या आता है, मूल कर्तव्य आता है, सी नंबर, यानी कि मूल कर्तव्य को भारत का मैग्ना कार्टा कहता है, जो कि भाग तीन में आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये है मटर, और मटर के जड़ों के नीचे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है इसे विकसित होने के लिए, तो दलहनों का राजा मटर को कहा जाता है, ऑप्शन बी। सब्जियों में आप लोगों ने मटर का बहुत उपयोग किया होगा। और एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, सोयाबीन से पूछा जाता है बार बार, सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो यह है एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध पर स्थित है? तो देखिए, अगर पृथ्वी की बात की जाएगी तो सपोज कर लो कि ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब में आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा अपना प्यारा भारत। अब देखिए, मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ। ऊपर वाले को नॉर्थ बोला जाता है, ये नॉर्थ है, नीचे को साउथ बोला जाता है, ये बोला जाता है ईस्ट, और इसे बोला जाता है, इसे वेस्ट बोला जाता है, और इसे बोला जाता है ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको कौन दिख जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा उत्तर पूर्वी में कौन, भारत, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? भारत के प्रथम लोकपाल जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? तो देखिए, पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम है, याद रखिएगा इस बात को। और लोकपाल जो कानून है वो कब बना था, 2013 में, याद रखिएगा, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद लोकपाल का गठन किया गया था, भ्रष्टाचार के मामलों को जो है कम करने के लिए, भ्रष्टाचार देश में कम हो इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यदि कोई सूचना दिए बगैर संसद से गायब रहता है संसद के सदस्य, तो उसकी सदस्यता कितने दिनों के अंदर खत्म कर दी जाती है या समाप्त मान ली जाती है? याद रखिएगा, यहाँ सूचना बिना सूचित किए हुए वाली बात है, अगर वो सूचित कर देता है कि मुझे फलाना काम है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। याद रखिएगा, ये 2 महीने का पीरियड होता है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको एनी हाउ प्रेजेंट होगा सदन में, जो है आपको प्रेजेंट होना होगा। राइट आंसर अगर देश में देखा जाए तो ये होगा 60 दिन, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन देखिए 1955 में किया गया था, याद रखिएगा 1955 में प्रथम राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था। और देखिए इसमें दो क्वेश्चन और इस तरह से पूछा जाता है राजभाषा से, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा राष्ट्रभाषा हमारे देश की कुछ भी नहीं है, राजभाषा हिंदी है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं पूछ भी लूँगा, एक क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा। आप लोगों को पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, नीचे कमेंट करके प्लीज़ इसका आंसर करेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? देखिए चट्टान पर आपको यहाँ से एक इमेज भी दिख रही होगी, चट्टान पर देखिए इस तरह से पादप जो है उग जाते हैं, तो चट्टानों पर उगने वाले पादपों को लिथोफाइट्स कहा जाता है, लिथोफाइट्स यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और देखिए एक और एक्स्ट्रा बोनस में जी कर लेके जाइए, ये देखिए क्रियोलोफाइट्स को क्या कहा जाता है, वो जो जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है उन्हें क्रियोलोफाइट्स कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो डी इसका फिलहाल राइट आंसर होगा, चट्टानों पर उगने वाले पादपों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगर आपने क्लास 10th में या 9th में शायद इनकी कहानी थी मैंने पढ़ा था सलीम अली के बारे में, देखिए ऑप्शन ये तो सही है, सलीम अली जो कि बहुत सारे पक्षियों की देखभाल करते थे और बहुत प्रेम था उनका, इसलिए इनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हिंदी की बुक में ये स्टोरी थी, मैंने पढ़ा था, आप लोग देख लेना और इनके बारे में खोज के पढ़िए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, किस द्वीप समूह को काला पानी भी कहा जाता है? तो देखिए यहाँ से इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा और यहाँ से आपको दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार, सबसे नीचे में छोटे 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 जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? काला पानी भी कहा जाता है, जहाँ पे देखना आप बाल गंगाधर तिलक को काला पानी की सजा दी गई थी। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन इसमें से हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड क्या है? तो देखिए ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एलिफेंटा दर्रा आपको मिल जाएगा श्रीलंका में, पहली बात। दूसरी बात, श्रीलंका के अभी के प्रेसिडेंट कौन है नीचे कमेंट करके बताइए, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर एलिफेंटा द्वीप पूछा जाता तो ये आंसर होता मुंबई, लेकिन यहाँ पे दर्रा पूछा गया तो राइट आंसर अभी आपका हो जाएगा बी श्रीलंका, ऑप्शन आगे पीछे हो गए इसके लिए माफी चाहूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो देखिए पो नदी कहाँ है, ऑप्शन सी में, पो नदी को जो है इटली की गंगा कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत का श्वेत रेगिस्तान कहाँ है? बिल्कुल आपको लग रहा होगा लद्दाख, और मैं आपको बता दूँ सरप्राइज सरप्राइज आपका आंसर रॉन्ग है, भारत का श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है कच्छ का रण को, आपको यहाँ से इमेज देख लीजिए कच्छ का रण, और ये बेहतरीन जगह है, प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करें आप, गुजरात में ये पड़ता है कच्छ का रण, ये बेहतरीन जगह है बहुत, यहाँ पे साल भर में एक बार 2 से 3 महीने का मेला लगाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग जो है बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लोकल मार्केट की भी चीज़ें मिलेगी, जरूर एक बार जाइए आप, भारत का श्वेत रेगिस्तान कच्छ का रण को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ताड़पीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ताड़पीन का तेल देखिए चीड़ से प्राप्त किया जाता है, बीस का राइट आंसर है। और आप लोग बताना देवदार के पौधे जो हैं कहाँ पे मिलते हैं, देवदार के पेड़ कहाँ मिलते हैं? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो देखिए ये राइट आंसर होगा किंग कोबरा, और याद रखिएगा अजगर में कोई जहर नहीं होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो फिलहाल राइट आंसर आपका होगा किंग कोबरा, और यहाँ से किंग कोबरा की आप फोटो भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आंसुओं में, देखिए यहाँ पे आंसुओं में बिंदा होगा, सॉरी छूट गया है, आंसुओं में भी बिंदा होगा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में देखिए कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो देखिए ये जो राइट आंसर होगा ये होगा लाइसोजाइम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइसोजाइम आपको आंसुओं में मिलेगा, जिस कारण कीड़ा वगैरह अगर चला जाता है तो ये हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यह है दर्द को दूर करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो देखिए दर्द दूर करने वाले औषधि को एनालेजिसिक कहा जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा, एनालेजिसिक यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आखिरी, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जैसे आप माजा या फिर स्लाइस पीते हो, देखना उसमें आम के जो प्लफ है ना,
यानी कि आम का गूदा जो डाला जाता है उसे, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए यानी कि बचाने के लिए कौन सा एसिड का यूज़ किया जाता है या फिर क्या यूज़ किया जाता है? इन चारों ऑप्शंस में कौन सा राइट आंसर होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा इसका आंसर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, वीडियोज़ चैनल पर आते रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।